बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आंखों के गेट सियाह हलकों से खवातीन और मर्द दोनों ही मुतासिर होते हैं। सियाह हलकों की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से जहनी तनाव, नींद की कमी और हार्मोनल इनबैलेंस शामिल हैं। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर में ही मौजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपनी आंखों के गिर सियाह हलकों को खत्म कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले जो चीज आपने लेनी है वो है योगर्ट यानी कि दही। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड सियाह हलकों को खत्म करता है और जिल्द को साफ बनाता है। घर का बना हुआ दही हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस एक चम्मच आपने दही लेना है। अब जो चीज आपने लेनी है वो है टमाटर जूस यानी टमाटर का रस। टमाटर का रस सियाह हलकों के लिए बहुत मुफीद है। इससे आंखों के गिर सियाह हलके भी खत्म होते हैं और जिल्द भी साफ होती है। बस एक चम्मच टमाटर का रस आपने इसमें डालना है। अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है एलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो कि आपके डार्क सर्कल्स को खत्म करता है। बस चंद कतरे आपने इसके डालने हैं। बस यही तीन चीजें इसमें डालेंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। ये देखें ये मिक्स हो गया है। अब आपने करना ये है कि थोड़ी सी कॉटन लेनी है और इसमें डिप करके आंखों के गिट लगानी है। अच्छी तरह लगाएं और लगाकर छोड़ दें। 20 मिनट तक आपने इसे लगे रहने देना है, फिर सादे पानी से धो लें। रोजाना किसी भी वक्त आपने इसे अपने सियाह हलकों पर लगाना है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये आंखों में ना जाए। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपकी आंखों के गिर सियाह हलके खत्म हो जाएंगे, और अगर आपकी आंखें सूजी हुई हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपने अपनी नींद का खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।